अब वोटर को आप जब आप इतना कंफ्यूज कर देंगे कि वोटर बेचारे को पता ही नहीं है कि अगर उसने तहरीक इंसाफ को वोट देना है तो उसका इंतखाबी निशान इस हलके में किस उम्मीदवार का क्या इंतखाबी निशान है, तो ग्राउंड रियलिटीज तो चेंज कर दी गई है। तो पास की कारकर्दगी को देख कर आपको जरूरत ही नहीं है अब ना भी मंशूर लेकर आए ना भी जो है ना वो नवाज शरीफ साहब जलसे करें, बड़े बड़े जलसे करें, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई बयानियां क्यों नहीं है नून लीग का? आपने वो हाफिजाबाद वाली हमने नवाज शरीफ साहब की तकरीर देखी, छोटी सी चार पांच मिनट की उनकी तकरीर थी, लेकिन ये कैसा इलेक्शन है, ये कैसा मुकाबला आप लोग करने जा रहे हैं कि सामने कोई ओपोनेंट ही नहीं है? पंजाब में देखें कौन है आपके साथ, इशारा नहीं है। यकीनन मैं पीटीआई की बात कर रही हूं, ऑफ कोर्स मैं पीटीआई की बात कर रही हूं, सिर्फ इशारा नहीं कर रही। तो पीटीआई देखें हमने, लेकिन वोटर को मजबूर कर दिया गया, उसको मायूस कर दिया गया इस मुल्क के सिस्टम ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नून लीग ने इदारों के साथ मिलकर पीटीआई से बल्ला तो छीन लिया, मगर नवाज शरीफ आज भी बाहर निकलने से घबराता है। आज शाज़िया ज़ीशान के हत्थे नून लीगी राना तनवीर चढ़ गया। शाज़िया ज़ीशान ने राना तनवीर से ऐसे तल्ख सवालात पूछे जिनका राना तनवीर कोई भी खातर खा जवाब ना दे सके और आएँ बाएँ शाये कर कर दी। आएँ पहले राना तनवीर और शाज़िया ज़ीशान की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। राना साहब, हर कोई अब यही सवाल पूछ रहा है कि इलेक्शंस होने में तकरीबन ढाई हफ्ते बाकी रह गए हैं, क्यों नून लीग अभी तक अपना मंशूर सामने नहीं ला पाई है? ऐसा क्या आप मंशूर में देने जा रहे हैं जिसमें अभी कोई फाइनल कोई फैसला नहीं हो सका है, या कोई इख्तलाफ है पार्टी के अंदर के मंशूर में आपने ये डालना है ये नहीं डालना है, या बस वाकई वो बात है कि हमारी बात हो गई है, हम इकतदार में आ गए हैं और इस बात ने आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस दे दिया है कि आवाम के पास जाने में, मंशूर लेकर जाने में या मंशूर को दिखाने में अब आपको वो कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको पता है हमारी हुकूमत आ रही है? नहीं शाजी, ऐसी बात नहीं। पहले तो जो पास का हमारा एक रिकॉर्ड है, एक तो पास का हमारा है जो लोगों को पता ही है कि हमारा क्या रिकॉर्ड है, हमें तो पास की कारकर्दगी को देखकर आपको जरूरत ही नहीं है अब ना भी मंशूर लेकर आए ना भी जो है ना वो नवाज शरीफ साहब जलसे करें, बड़े बड़े जलसे करें, फर्क नहीं पड़ता। शादिया मैं आगे बात करने लगा, तो अब ये था कि जो इस वक्त मुल्क को फेस चैलेंजेस फेस कर रहा है मुल्क, उसको लेके एक जो एक्सपर्ट्स हैं या दूसरे लोग हैं वो बैठ के एक सही सोल्यूशन दें कि किस तरह लोगों को रिलीफ दिया जा सकता है, किस तरह मुल्क के लिए बेहतरी लाई जा सकती है, आप देखेंगे चंद दिनों में आपके सामने आ जाएगा। लेकिन कोई बयानियां क्यों नहीं है नून लीग का? आपने वो हाफिजाबाद वाली हमने नवाज शरीफ साहब की तकरीर देखी, छोटी सी चार पांच मिनट की उनकी तकरीर थी, कोई बड़ा उस तरीके से वो जलसा भी नहीं था, वो जोशो खरोश भी नहीं था, वो एक मूड भी नहीं लगा नवाज शरीफ साहब का, लग रहा था बस वो इतना प्रेशर है उन पर कि आप किसी तो एक तो जलसे से आप जो है ना खिताब कर लें, वो एक जो एक एक्टिव होते थे नवाज शरीफ साहब, बड़े बड़े जलसे, बड़ी बड़ी कैंपेन्स, और इस बार कोई बयानियां भी नहीं है सिवाय इसके माजी में मेरे साथ उसने ये किया क्यों निकाला, पांच जजों का फैसला था, ये हुआ, मतलब कि इससे आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं नवाज शरीफ साहब। नहीं देखिए, मैं मियां साहब का उस दिन तो मेरा गला ठीक नहीं था जैसे लंबी बात नहीं वो कर सके, लेकिन ये यकीनी तौर पे जब भी वो बात करते हैं तो उसके निचली वो बात तो करते हैं कि जो हुआ है पास में, और ये वजह बहुत बड़ी वजह है जो बात वो करते हैं ना कि मुझे क्यों निकाला या मेरे साथ ज्यादा की या मिसल नून को क्रश करने की कोशिश की गई, तो समझते हैं कि ये हमारे साथ या उनके साथ या पीएमएलएन के साथ, इसको देखकर लगता है कि नवाज शरीफ साहब सिंपति वोट लेना चाह रहे हैं कि मेरे साथ ज्यादा हुई है तो लिहाजा वोट देकर इसका अजाला करें, वो बात करना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान के साथ ज्यादा की है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी, और जो कि साबित हो गई पिछले पांच साल से पता चल गया कि जो 17 में निकाला है नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टरशिप से, तो वो एक साजिश के तहत निकाला और वो साजिश को कह चुके हैं कि ये मेरे खिलाफ नहीं थी कि मुझे वजारते उजमा से निकालना है। राना साहब पीपल्स पार्टी तो बड़ी पुरजोश है, बिलावल साहब बड़े पुरजोश हैं कि हम आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी, वो तो आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाकर हुकूमत बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए बिलावल के जो स्टेटमेंट्स हैं वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं तो वो पोलिटिकल एंगल उनका होता है, कोई कन्फ्रंटेशन पीएमएलएन के साथ हो, क्योंकि बड़ी पार्टी है इस वक्त पाकिस्तान में, पीएमएलएन सबसे बड़ी पार्टी है और स्ट्रॉन्ग वोट है पंजाब में, वो पंजाब के ये इस ग्राउंड में आए हुए हैं और वहाँ पर जो बातें करते हैं वो डायरेक्टली हिट करते हैं पीएमएलएन को, पीएमएलएन की क्यादत को, ताकि वो अपनी एक थोड़ी सी स्पेस बना सकें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दूसरा जो उन्होंने आप स्टेटमेंट दिया है कि हम आज़ाद उम्मीदवारों के साथ बनाएंगे, तो मीनिंग भाई कि वो स्टार्ट ही यहाँ से ले रहे हैं कि हम हार चुके हैं, हमारी मेजोरिटी नहीं होगी, हम बिल्कुल इस इलेक्शन में कामयाब नहीं होंगे, लिहाजा दूसरे लोगों के साथ मिलेंगे। पीएमएलएन तो कहती है कि हम इंशाल्लाह ताला वाज़ेह अक्सरियत के साथ इस इलेक्शन में जीतेंगे। देखते हैं मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन ये कैसा इलेक्शन है, ये कैसा मुकाबला आप लोग करने जा रहे हैं कि सामने कोई ओपोनेंट ही नहीं है? पंजाब में देखें कौन है आपके साथ, आईपीपी के साथ तो वैसे ही आप लोगों ने सीट एडजस्टमेंट की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस तरीके से तो जाहिर है पंजाब में स्ट्रांग उनका होल्ड नहीं है, सिवाय एक सीट आप जो लड़ रहे हैं उस पर बड़ी कोशिश कर रहे हैं बिलावल साहब की वो सीट निकाल जाए हल्का 127 जिसमें अता साहब उनकी ऑपोजिट इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ओपोनेंट तो आपके कोई है ही नहीं,
मुकाबला तो कोई है ही नहीं, तो खेल के तो जीतेंगे नहीं आप लोग। नहीं देखें, अगर आपका इशारा पीटीआई की तरफ है तो ये हमारा इशारा तो नहीं है, यकीनन मैं पीटीआई की बात कर रही हूँ, ऑफ कोर्स मैं पीटीआई की बात कर रही हूँ, सिर्फ इशारा नहीं कर रही। तो पीटीआई देखिए, हमने तो पीटीआई को नहीं निकाला, पीटीआई ने कुछ अपने काम ऐसे किए हैं, जिस तरह उनका अपना इंटर पार्टी इलेक्शन था, अगर उन्होंने तमाम कायदे ज़वाबत पूरे नहीं किए, अगर उन्होंने कानून के मुताबिक नहीं इलेक्शन कराए, ये इलेक्शन कमीशन का काम है या सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में भी गए हैं, बट एल्स के सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में एक बेंच ने हेडेड बाई चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुना, और आप तो ये फिर उंगलियां उठा रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट पे या इलेक्शन कमीशन पे, हमारा कोई लेना देना उससे नहीं है, ना हमारी ये ख्वाहिश है कि पीटीआई ना हो। पीटीआई का जो एक फसाद है या एक थोड़ा सा एक बना हुआ है, एक के जी पीटीआई के बोर्ड है, यकीन करें शोर शराबा जरूर है पीटीआई का, लेकिन एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल मुख्तलिफ है। लोग आज भी कहते हैं मुस्लिम लीग नून ने बहुत, ग्राउंड रियलिटी तो मुख्तलिफ होगी ना, ग्राउंड रियलिटी तो मुख्तलिफ होगी जनाब। आप वोटर को या जब आप इतना कंफ्यूज कर देंगे कि वोटर बेचारे को पता ही नहीं है कि अगर उसने तहरीक इंसाफ को वोट देना है तो उसका इंतखाबी निशान इस हलके में किस उम्मीदवार का क्या इंतखाबी निशान है, तो ग्राउंड रियलिटीज तो चेंज कर दी गई है ना। इससे पहले अगर बल्ला होता तो फिर हम ग्राउंड रियलिटीज पे बात करते ना। मैं आपको बात बताऊँ, ये जो एक इम्प्रेशन है ये बिल्कुल गलत है कि बल्ला हो या कोई और चीज़ हो या किसी का मुख्तलिफ निशान हो, जब आप कह दें कि फलां हमारा कैंडिडेट है तो फिर उस पर कोई भी निशान हो, लोग बड़े वोट डालने वाले मैं आपको बताऊँ इतने समझदार होते हैं, इतने उनको पता होता है कि जिस किस्म का मर्जी निशान हो वो वोट डालते हैं। और कभी आपने देखा है कि जो पिछले इलेक्शन में छोड़े जो उन्होंने ख़राब किए हैं, एक खास मकसद के लिए वोट ख़राब किए गए, मैंने खुद सर्विस किए हैं, लोग इस वक्त मायूस बहुत हैं, यकीन करें राणा साहब, लोग कहते हैं कि हमने तो किसी को वोट देना ही नहीं है, ना नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, तहरीक इंसाफ को, किसी ने कुछ नहीं किया, और जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के साथ सलूक हो रहा है, बहुत बहुत बड़ी एक तादाद वोटर की इस वक्त मायूस है, वो बायकॉट करेगी इलेक्शन का, विच इज रॉन्ग, नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपने मुल्क की अपनी किस्मत बदलनी है, अच्छे फैसले आप चाहते हों, तो आपको वोट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, लेकिन वोटर को मजबूर कर दिया गया, उसको मायूस कर दिया गया इस मुल्क के सिस्टम में। शाजिया आपने सर्वे किए हैं, लेकिन मैंने इतना लंबा देखे टाइम देखा इलेक्शनों का, हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ ऐसे वोटर होते हैं जो कहते हैं जी हमने तो बायकॉट करना है या हम नहीं देना या मुतमिन नहीं है, लेकिन इस वक्त तो हालात ये हैं कि ये वाकई लोगों के लिए जो सोच विचार है वो इसमें हैं कि हमारे हालात ठीक नहीं है, और पीछे जो टाइम गुजरा 5 साल इमरान खान का और दूसरा टाइम, उसमें लोगों को मुश्किल दिखनी पड़ी या देख रही हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, जो उनके मसाइल ही मसाइल हैं जिससे वो थोड़े से परेशान हैं और वो ये बात करते हैं। लेकिन आपने शाजिया ज़ीशान और राणा तनवीर की गुफ्तगू सुनी, शाजिया ज़ीशान ने जब राणा तनवीर से कहा कि आप तो कहते थे कि नवाज शरीफ आएंगे तो हम बाकायदा अपनी कंपेन शुरू करेंगे, जलसे भी होंगे और जुलूस भी होंगे, मगर हमने देखा कि नवाज शरीफ जब से आए हैं वो आराम से बैठे हैं, ना कोई जलसा ना कंपेन, और गुज़श्ता रोज़ तो हमने देखा कि एक जलसा किया भी तो सिर्फ 10 मिनट की तकरीर की, उस तकरीर में भी ना कोई मंशूर ना आइंदा के लिए लाए अमल बताया, बल्कि वही रटी रटाई तकरीर हमें सुनने को मिली कि मुझे क्यों निकाला। नवाज शरीफ ने अदालतों पर तनकीद की, इदारों पर तनकीद की, और हमेशा के लिए पिछली हुकूमत पर मलबा गिराया और उन पर तनकीद करते हुए नज़र आए, अपना लाए अमल कुछ भी नहीं बताया कि अगर वो इक्तदार में आते हैं तो वो अवाम के लिए क्या लाए अमल इख्तियार करेंगे, अवाम को कैसे रिलीफ देंगे, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ पिछली हुकूमतों को ही कोसते रहे। नाज़रीन, हकीकत तो यह है कि इस पार्टी ने ना अवाम को कुछ देना है और ना पहले कुछ दिया है, ये जब भी आते हैं अवाम से लेने के लिए आते हैं, अवाम को देने के लिए कुछ भी नहीं आते, क्योंकि ये जब भी इक्तदार में आए हैं मुल्क का पैसा लूट कर ये दूसरे मुल्क में फ़रार हो जाते हैं, और वहाँ जाकर अपने फ्लैट ख़रीदना इनका पसंदीदा मशगला है, क्योंकि यहाँ ये सिर्फ़ और सिर्फ इक्तदार के लिए आते हैं, जब इनका इक्तदार ख़त्म हो जाता है तो ये दोबारा उसी मुल्क में वापस चले जाते हैं, इस मुल्क पाकिस्तान में तो ये रहना भी गवारा नहीं करते, जबकि जो इस मुल्क में रह रहा है, जिसकी ना कोई बैर जायदादें हैं ना कोई जागीर है, जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है, बल्कि दूसरे ममालिक से पैसा कमा कर भी पाकिस्तान में लेकर आया है, वो आज जेल में पड़ा हुआ है, मगर अवाम उसके साथ खड़ी है और उसी को अपना नेक्स्ट वज़ीर आज़म देखना चाहती है। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।